देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर धार्मिक गतिविधियों के लिए भी अलग पहचान रखता है। तभी तो यहाँ इंसानों के साथ साथ पक्षी भी शिव भक्ति में लीन नजर आते हैं। शहर का एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ साल के 3 महीने तोतों का डेरा लगा रहता है। यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में तोते आते हैं और हनुमान जी के दर्शन कर ज्वार दाने का भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। शहर के मध्य में पंचकुइया स्थित श्री राम मंदिर में लगभग 50 से 55 सालों से तोतों की सेवा का सिलसिला जारी है। जहां एक समय में लगभग 300 से 350 किलो ज्वार का भोग तोतों को लगाया जाता है। मंदिर में भोजन के लिए आने वाले तोते साल में 3 महीने यानी आषाढ़, सावन और भादो को आते हैं। जहां इन 3 महीनों में लाखों तोते यहाँ ज्वार का स्वाद चखते हैं। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले इन तोतों का मुंह भगवान हनुमान जी की तरफ होता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान का दर्शन करने के बाद यह तोते भोजन का आनंद लेते हैं। इन तोतों की सेवा के लिए रोजाना सुबह 5:30 बजे मंदिर पहुंचने वाले सेवक रमेश अग्रवाल ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि तोतों के लिए आने वाली ज्वार बेहद ही उच्च क्वालिटी की होती है। जहां तोतों के लिए ज्वार का इंतजाम भक्त मंडल की ओर से किया जाता है। 3 महीने में लगभग 3 से 4 लाख रुपए की ज्वार का भोग तोतों को लगाया जाता है। ये 50-55 साल से सेवा चल रही है गुरु महाराज की बताई हुई, और स्थान तो 350-400 वर्ष पुराना है। संतों की भूमि है, तपोभूमि है, और उनके बताए अनुसार ये अनाज डालते हैं। एक समय में 300-350 किलो ज्वार डालते हैं, कभी कभी 400 किलो भी डालते हैं। 350-400 किलो ज्वार डाली जाती है एक समय में, और आती भक्तों के यहाँ से है। कोई एक बोरी देता है, कोई 2 बोरी देता है, कोई नट जाता है, कोई 10 बोरी देता है। इस तरह से व्यवस्था होती रहती है। जिस तरह से महात्माओं का सिंहस्थ 12 साल में एक जगह भरता है, इस तरह से इन पक्षियों का सिंहस्थ हमारे यहाँ प्रतिवर्ष भरता है। 3 महीने आषाढ़, सावन और भादवा, वैशाख से आना चालू हो जाते हैं, दशहरे के बाद कम पड़ जाते हैं। डालते 12 ही महीने हैं, पर 12 ही महीने में 15-20 किलो 20-25 किलो डालते हैं जो उड़ जाती है। इतना पक्षी आता है, इन दिनों में लाखों पक्षी आता है जिसकी अपन गिनती नहीं कर सकते। चारों दिशाओं से पक्षी आ रहा है, सभी का मुँह हनुमान जी की तरफ रहता है। पहले उनको प्रणाम करते हैं, इसके बाद दाना खाते हैं। 50-55 साल से तो मैं सेवा कर रहा हूँ, हनुमान जी करवा रहा है मेरे से, मैं नहीं कर रहा हूँ, वही करवा रहा है। मेरी ताकत नहीं, मैं करूँ, वही डलवाता है, वही बुलाता है, वही उठा के बुलाता है मेरे को, तो मैं सेवा कर। बिल्कुल 6 बजे आ जाते हैं ये, मैं 5:30 बजे घर से निकलता हूँ। आज ही मेरे को 10 मिनट लेट हो गया, मैं घबरा गया था, पर भगवान ने समय पर काम करवा दिया और आपके सामने समय पर उतर गए। आप मेरे से पहले आ गए थे, मैं घबरा गया था। ये जिम जाएंगे और बेरोजगारी नहीं होगी तो कैसे क्या करेंगे, और भगवान ने ऐसा करा कि 4 वक्त आ गए, जल्दी जल्दी काम हो गया और काम समय से हो गया। तोते भी समय से बराबर 6 बजे उतर जाते हैं। 300-350 किलो रोज डालते हैं, मतलब 3 से 4 लाख रुपए की ज्वार 3 महीने में डल जाती है। 3 महीने संस्था करती है, भगत लोग देते हैं, ऐसे हमने कोई ने 1 बोरी दे दी, कोई ने 4 बोरी दे दी, कोई ने 5 बोरी दे दी, कोई ने 10 बोरी दे दी, कोई नट जाता, कोई नया जुड़ जाता है। इस तरह से इसकी व्यवस्था होती रहती है, पर ज्वार खाने में किसी का भाग्य नहीं है कि आज तक किसी को पैसे देना अपने को। 50-55 साल से भले ही वो 3,000 की ज्वार आया, 4,000 की ज्वार आया, ज्वार अच्छे से अच्छी आती है, ये आटा खाते छिलका रोक देते हैं, तो हल्की ज्वार कभी नहीं मंगाते हैं। अगर कोई भगत भेज देता है तो उसको वापस कर देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो शहर का एक मंदिर ऐसा भी है जहां साल के 3 महीने तोतों का डेरा लगा रहता है।
यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में तोते आते हैं और हनुमान जी के दर्शन कर ज्वार दाने का भोजन ग्रहण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।